चलिए और बढ़ेंगे अगली ही बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से ही सामने आ रही है। दरअसल दूसरे चरण के प्रचार का अब शोर थम चुका है। 26 अप्रैल को 6 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें खजुराहो, दमोह, टीकमगढ़, सतना, रीवा, होशंगाबाद शामिल है, यानी कि इन 6 ही सीटों पर वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि कल यानी कि 26 अप्रैल को 6 सीटों पर मतदान कल होगा। इन 6 सीटों में खजुराहो, दमोह, टीकमगढ़, सतना, रीवा और होशंगाबाद शामिल है। जहां आपको बता दें कि दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। 26 अप्रैल को यानी कि कल दूसरे चरण का चुनाव है, वोटिंग है। कल सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। तो ये 6 सीट जिन पर कल चुनाव होना है, जिन पर कल मतदान होना है, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी दुर्गेश लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। दुर्गेश, कल यानी कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव मध्य प्रदेश में है, 6 सीटें कुल जिन पर कल मतदान पड़ेगा, सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे कल? देखिए नैन्सी, बिल्कुल दूसरे चरण का जो चुनाव का प्रचार प्रसार है वो अब जो प्रचार का शोर था वो अब समाप्त हो गया है और कल 26 अप्रैल को 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और मतदाता साइलेंट हैं और उसके साथ ही जो उम्मीदवार है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगर हम 6 सीटों की बात करें तो सबसे हॉट सीट रही है खजुराहो। खजुराहो चर्चित सीट भी रही है इस दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के, चूंकि खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा चुनावी मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाया गया था, उस गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को दी थी। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने की वजह से जो अन्य दलों के छोटे दल के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, आरटी प्रजापति राजा भैया पूर्व आईएएस हैं, उनके नाम पर फिर अन्य विपक्षी दलों ने सहमति बनाई और उनको समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया। और अब बीडी शर्मा के सामने जो मुख्य चेहरा है विपक्ष की तरफ से वो है आरडी प्रजापति। उसके साथ ही यदि हम बात करें नैन्सी, तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की अगर अंदर खाने की हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी खजुराहो लोकसभा सीट को छोड़ दे तो बाकी 5 सीटों पर खासा फोकस कर रही। खजुराहो को उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ तक कि एक प्रवक्ता ने ये तक भी कह दिया था कि वो तो हमने समाजवादी पार्टी को सीट दे दी, अब समाजवादी पार्टी जाने, हमारा खजुराहो से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। यदि हम बात करते हैं अन्य लोकसभा सीटों की, टीकमगढ़, रीवा, सतना, दमोह, तो यहाँ पर जिस प्रकार से होशंगाबाद, यहाँ पर जिस प्रकार से मोदी लहर है, मोदी की गारंटी है, उन मोदी की गारंटी पर उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे खास और दिलचस्प विंध्य क्षेत्र की 2 सीटें जो रीवा और सतना, एनएनसी बताऊं आपको तो सतना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। चूंकि कभी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुआ करते थे नारायण त्रिपाठी, वो बागी हो गए भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम करके चुनावी मैदान में सामने है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सतना से गणेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी ने सिद्धार्थ कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक भी हैं और 2023 विधानसभा में चुनाव में ये दोनों कांग्रेस और भाजपा के लोकसभा के जो उम्मीदवार है सिद्धार्थ और गणेश, ये दोनों आमने सामने थे। सिद्धार्थ कुशवाहा को विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। इसी जीत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सिद्धार्थ कुशवाहा पर भरोसा जताया है। ऐसा माना जाता है, जानकार बताते हैं नैन्सी की, सतना की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। बाकी जो 5 सीटें हैं उन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है, लेकिन सतना सीट में जिस प्रकार से ब्राह्मण चेहरा और ब्राह्मण नेता नारायण त्रिपाठी चुनावी मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोटर है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ रहता है, लेकिन जो ब्राह्मण वोटर है वो नारायण त्रिपाठी के साथ जुड़ जाएगा। चूंकि ब्राह्मण वोटर मूलतः भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर होता है, ऐसे में अब गणेश सिंह को नुकसान उठाना पड़ सकता है और कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है। और जो राजनीतिक जानकार भी बताते हैं कि सतना लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं रीवा से यदि हम बात करें तो 2 बार के सिटिंग सांसद जनार्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अपने इकलौते विधायक, रीवा की 8 विधानसभाओं में से इकलौते कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को टिकट दिया है। नीलम मिश्रा भी पूर्व में
भारतीय जनता पार्टी से सिमरिया से विधायक रही हैं, अब वो कांग्रेस पार्टी में हैं। तो ऐसे में चूंकि बहुजन समाज पार्टी का विंध्य क्षेत्र में थोड़ा दखल तो है, चूंकि उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं विंध्य क्षेत्र, तो बहुजन समाज पार्टी का एक वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी के एक प्रभाव है, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने ओबीसी चेहरे को मैदान में उतारा है। बिल्कुल, यानी कि एक तरह से यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी, ये तो स्पष्ट है कि पूर्ण बहुमत तो नहीं ले सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पार्टी के लिए यहाँ पर वोट काटती हुई जरूर नजर आएगी। वो देखने वाली बात होगी कि बहुजन पार्टी आखिरकार किसके वोट बैंक में सिंध लगाती है। बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका, और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए नादी टीवी के साथ।